सुरा संपूर्ण कलशं रुधिरा प्लूतमेव च दधाना हस्ते पद्माभ्याम कुष्मांडा सुभिदास्तु मे। नवरात्र पूजन के आज चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने इस सुरा संपूर्ण कलशं रुधिरा प्लूतमेव च दधाना हस्ते पद्माभ्याम कुष्मांडा सुभिदास्तु मे। नवरात्र पूजन के आज चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशक हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इन देवी की आठ भुजाएं हैं, इसीलिए आपको अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके सात हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन शिंग है। इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इन देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। ऐसी मां कुष्मांडा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कुष्मांडा अर्थात अंडे को धारण करने वाली स्त्री और पुरुष की गर्भधारण गर्भाधान शक्ति है, जो भगवती की ही शक्ति है, जिन्हें समस्त प्राणी मात्र में देखा जा सकता है। प्रणाम। आयुर्वेद में सभी नौ देवियों को कोई न कोई औषधि प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। कुष्मांडा देवी ने पेठा नामक औषधि को प्रदान किया है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसीलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुष्मांड कुम्हरा भी कहते हैं, जो रक्त विकार दूर कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रोगों में यह अमृत समान होता है। जय हो माता कुष्मांडा की जय।